अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े की बर्फबारी पड़ रही है मेरे पीछे, और लगातार दो दिन से कंटिन्यूसली जारी है। और तो फिर आज हम फिर आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। तो चल जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी शेख भाई, आज हम क्या करने वाले हैं? पूछा नहीं जरा मैं की थी। तो इसको बर्फ को नीचे से साफ करेंगे, ताकि इसके बराबर बराबर की बराबर करके गोला में साफ करने के बाद इस तरह जो है हम पकड़ेंगे, बना के इसके नीचे चूड़ा आ जाएगी। चूड़ा आने के बाद फिर हम आगे छुप के बैठेंगे। छुप के बैठने के बाद इस तरह हम उसको चूड़िया को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद इसके अंदर चूड़ा आ जाएगी। चूड़ा आने के बाद फिर उसको थोड़ा सा दबा के फिर अंदर से हम चूड़ा निकालेंगे। तो ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे लोगों को। बाद में तो ऊपर खेत में करेंगे ना, यहाँ तो आपने सिर्फ डेमो दिया है। ठीक है, चलिए जी हम अपनी तैयारी करते हैं, और जो जो भी सामान चाहिए होता है वो सारा कलर हमारे लिए आज सामान पूरे जो हम पहले आपको दिखा रहे थे मुठोए का, तो उसके सामान हमें मिल गए। अभी हम बना उस मुठोए को बनाने के लिए हम जा रहे हैं, मुठो लगाने जा रहे हैं खेत में। तो चलिए जी, अभी हम मुठो लगाने के लिए डोरी बांधते हैं। ज़रा देख ले, इस तरीके से डोरी बांध देते हैं सही कस करके। डोरी लगाओ, लगाने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि डोरी कहाँ तक आ रही है, हमारी जो जगह है जो बैठने की जगह उधर तक आ रही है कि नहीं आ रही है। हम ज़रा चेक कर लेते हैं, ज़रा देख ले। अब ये चावल और गंदू में जो चुड़िया की खुराक है बस बाबा, ये दर्द तो बदना है, दर्द तो बदना है, दर्द एक दुख जाने फल थे। आज सेंटर हो तो बहुत सेंटर हो कि आज सेंटर हो। अच्छा चले जी, बस कोई खुराक ही ये भी ना, ये हीट हीट प्रोवाइड करता है। नहीं, इसको दूर से देख के परिंदे फिर इधर आ जाते हैं। अच्छा, दर्द सड़े रही, दर्द सड़े रही, दर्द दर्द अंदर ना सी है। हाँ, चेक करते हैं
ओहो, तो ये होता है। तो अभी हम मुछो लगाए हैं, अगर आप उधर देख लें तो उधर से हम ऐसे कर लेंगे, अभी लगाने के बाद फिर हम उधर छुप के बैठेंगे। तो हमने डोरी भी लगाया, उधर डंडी भी लगाए हैं, तो उधर वो शक भी लगाए हैं हमारा पुराने ज़माने का। तो इसको अभी हम उधर छुप के बैठेंगे तो परिंदे आ जाएंगे उधर उसकी खुराक खाने के लिए, उनकी खुराक हमने डाल दिए हैं। जब अंदर गए तो हम उधर छुप के उधर से हम खींच लेंगे रस्सी को, रस्सी खींचने के बाद फिर वो अंदर आ जाएंगे, हम उसको बाहिफाजत निकाल के फिर हम उसको फिर पाल देंगे आगे। पालने के बाद तो गाइस भूख भी ज़्यादा लग रही है, तो शेख भाई हमारे लिए गोली बनाएंगे, जो पिछले मतलब दादा दादी के ज़माने में बनाते थे गोली, आटे को पानी में डाल के बनाते थे, तो वो बनाएंगे। क्यों शेख भाई, किस तरह बनाते हैं गोली? अभी थोड़ा आपको दिखा देंगे। अच्छा ठीक है, उनको दिखाएंगे भी गोली को। मैं भी डोसा बोलते हैं, इंडिया में डोसा बोलते हैं, गोली जैसी ही होती है वो भी, मगर वो लोग ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, हम नरम बनाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। गेलिंग बनाएंगे हमारा शिनाज़ ज़बान में गोली, और इसके अंदर अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे हसबी ज़ायका, और इसके बाद फिर अंडा डालेंगे, दो अंडे डालेंगे, फिर इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, फिर इसको थोड़ा सा हम भून देंगे, इस तरह मिक्स करेंगे घी और अंडा और आटा नमक, मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर पानी डालेंगे गर्म पानी, ताकि मक्खन जो है और अंडा बराबर मिक्स हो जाएगी अंदर। रेट ऊपर थोड़ी सी घी लगाते हैं, ताकि जो रोटी जो है गोली उसके ऊपर चपक न जाए। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे अभी, ठीक है। एक गला वक्त
बहुत मजा है।